हेलो कर्क राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नए साल में आपके रिश्ते की क्या नई शुरुआत होने वाली है, ये हम जानने वाले हैं आज के इस रीडिंग में। जनवरी मंथ आपकी लव लाइफ के लिए कैसा जाएगा, ये हम देखेंगे आज के इस रीडिंग में। कुछ मैसेजेस भी मैं लेकर आई हूँ और गाइडेंस कार्ड भी आपके लिए है कि क्या बदलाव करने से आप अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहने वाली है जनवरी मंथ में कर्क राशि के लिए? कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहने वाली है? आपकी फीलिंग्स कैसी रहने वाली है आपके पार्टनर के लिए? आपकी फीलिंग्स कैसी रहने वाली है आपके पार्टनर के लिए? आपकी फीलिंग्स से शुरुआत करते हैं हम। तो मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा आप इमोशनल होंगे, और ये इमोशनल क्यों है, मतलब कि यहाँ पर दिखा रहा है, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि थोड़ा ब्रेकअप हो सकता है। थोड़ा मीन्स कि ब्रेकअप सिचुएशन के यहाँ पे चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। और मैं ये कहूँ कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे अपने पार्टनर से, कि आपका पार्टनर जो है आपको बहुत सारी खुशियाँ देने वाला है, आपका पार्टनर आपको हर तरह से मतलब कि प्यार करने लगा है, और बहुत कुछ बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस आपको आपके पार्टनर से होगी। और सडनली ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे दूर हो जाए, तो इसकी वजह से आप इमोशनल हो सकते हैं। गाइज, ये जनरल रीडिंग है तो सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं करेंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि परमानेंट ब्रेकअप हो, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है उनका पार्टनर कहीं और शिफ्ट हो गया, इसकी वजह से ब्रेकअप हो। जो कि मुझे सिचुएशंस नज़र आ रही है, मैं वैसा ही बता रही हूँ। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने की वजह से उनका पार्टनर कुछ टाइम के लिए उनसे दूर जा रहा है। तो ये तीनों ही सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओवरऑल ब्रेकअप तो है, चाहे कुछ टाइम के लिए हो चाहे ज़्यादा टाइम के लिए। और यहाँ आपके जो पार्टनर की एनर्जी है, उनको ऐसा लग रहा है कि यार मेरा मन कह रहा है कि अब मुझे दूर हो जाना चाहिए, मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा मतलब मैंने कोशिश की, बहुत ज़्यादा समझाया, लेकिन वो नहीं समझ रहा है। और मैं बहुत कंफ्यूजन स्थिति में हूँ कि मैं क्या करूँ, किस तरह इसको ठीक करूँ। तो इससे बेटर है कि मैं थोड़ा दूरी बना लेता हूँ या बना लेती हूँ। तो ऐसी सिचुएशन मुझे कर्क राशि आपके पार्टनर की नज़र आ रही है। अब ये किसी भी तरह से हो सकती है। हो सकता है आपने बहुत बार फाइनेंशियल सपोर्ट आपके पार्टनर से मांगा होगा, तो भी आपके पार्टनर रेडी नहीं है अब देने के लिए कि अब बहुत हो चुका, मैंने बहुत सपोर्ट कर दिया। या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो आप, बहुत ज़्यादा इमोशंस अपने शो करते हो अपने पार्टनर के सामने, तो वो पार्टनर कह रहा है कि बस बहुत हो गया, मतलब कि ऐसा हो गया है कि मैं कुछ देख ही नहीं पा रहा हूँ कि क्या चीज़ें मेरे साथ हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर थोड़ा परेशान है, उनका मन अभी कह रहा है कि बस मुझे यहाँ से ब्रेकअप करना चाहिए, मुझे यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए, मुझे अपना रास्ता बदलना चाहिए। और आपको ऐसा लगता है कि भाई ये है पर्सन लाइफ में, इसीलिए लाइफ में खुशियाँ चल रही है, बहुत ज़्यादा मेरी ख्वाहिशें पूरी हो रही है। तो ये वाली सिचुएशन जनवरी मंथ में आपको आपकी लाइफ में देखने को मिल सकती है। चलिए और कार्ड्स हम देखते हैं। कर्क राशि आपके पार्टनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं जनवरी मंथ में? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर आपसे जनवरी मंथ में, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर से जनवरी मंथ में? चलिए फिर से आपकी एनर्जी से ही स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप जो है, आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आए, आपको पैम्पर करे, आपको मनाए, और बहुत जो आप सोच रहे हो उनके बारे में वो सभी करे आपके लिए। यहाँ पर थोड़ा सा आप उनको लेकर सेल्फिश हो रहे हो कि ये कहीं दूर ना जाए मुझसे।
सो उसके लिए आप अगर कोई ऐसी बात भी हुई है तो उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, आप उनको मनाने की कोशिश कर रहे हो, आपको ऐसा आप उन्हें बार बार ये चीज समझा रहे हो, अरे कोई और तो नहीं आ गया तुम्हारी लाइफ में, तो ऐसा कहकर भी आप उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हो जो मैं देख पा रही हूँ, और आप अपने तरफ से 100% लगा दोगे कि चीज़ें ठीक हो जाए, नेगेटिव ना रहे। और आपके जो पार्टनर है वो मुझे यहाँ पर लग रहे हैं कि बस बहुत हो चुका अभी, तुम मुझे बहुत मूर्ख बना चुके, तो हो सकता है आपके पार्टनर जो है वो ऐसा सोचे और वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैंने तुम्हें इतना सब कुछ अपना दिया, फाइनेंशियल सपोर्ट किया, इमोशनल सपोर्ट किया, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी मैं तुम्हारे साथ रही या रहा, फिर भी तुम मुझे धोखा दे रहे हो, चीट कर रहे हो। उनके मन में ऐसी चीज़ें चल रही होगी, वो चाहते हैं कि उन्होंने जो भी सपोर्ट आपको किया है वो आप उन्हें वापस लौटा दें, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, वो अपने सारे सपोर्ट वापस चाहते हैं कि अब तो मुझे बस फल मिलना ही चाहिए ना, मैंने अपना इतना टाइम दिया है, तो अब भी तुम मेरे साथ चीटिंग करे जा रहे हो, गेम्स प्लान कर रहे हो, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई तुम मुझे धोखा मत दो पीठ पीछे, तुम मुझे जो भी कहना है सामने कहो, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें हर तरह से तुम्हें समझ सकता हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकता हूँ, तो फिर भी तुम मुझे चीट मत करो। वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब आप रिटर्न में मुझे क्या देते हो, तो जो भी है वो उन्हें जेन्युइनली चाहिए, और आप जो यहाँ पर है वो थोड़ा सा मैनिपुलेट वाली एनर्जी है कि मैं प्यार भरी बातें करूँगा और चीज़ें ठीक हो जाएगी, तो आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है और आपके पार्टनर इतना सब कुछ आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं ओवरऑल क्या रहने वाला है आपके इस रिश्ते में जनवरी मंथ में, कर्क राशि जनवरी मंथ में आपकी लव लाइफ ओवरऑल कैसी रहने वाली है। एस ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ कप्स, वाओ बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, थ्री ऑफ पेंटेकल्स, जस्टिस, ओके, सेवन ऑफ कप्स, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग ये मुझे दिख रही है कि जो भी सॉल्यूशंस है वो निकल रहे हैं दोनों के। देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर जस्टिस मांग रहे थे और यहाँ आपने जस्टिस दे दिया कि ठीक है लीजिए, यहाँ आपकी कन्वर्सेशन चल रही थी, उनके मन में जितने भी विचार थे आपने सब ठीक कर दिए। मैंने कहा ना बहुत मैनिपुलेशन वाली एनर्जी है कि मैं तो मना ही लूंगा या तो मैं मना ही लूंगी, आपने अपनी तरफ से फिर से एक बार ऑफर किया कि मेरा सारा प्यार तुम्हारे लिए है, मैं सब कोशिश करूंगा या करूंगी जो कि मैं तुम्हारे प्यार को पा सकूं, तुम्हारे विश्वास को पा सकूं, तो ऐसी एनर्जी मुझे ओवरऑल यहाँ पर नजर आ रही है। फिर से एक बार कर्मा आपके फेवर में होगा, फिर से एक बार आप दोनों के बीच के रिश्ते ठीक होंगे, कोई ऐसा पर्सन आपकी फ्रेंड या फैमिली से हो सकता है जो आप दोनों के बीच में चीज़ों को ठीक करवाएगा, कुछ ऐसा ट्रस्ट वर्दी पर्सन जो आप दोनों को जानता है, आपके रिश्ते को जानता है, और चीज़ें ठीक होगी। उसके बाद भी अभी यहाँ तक ही स्टॉप नहीं हुई आपकी ये रीडिंग, हाँ उसके बाद भी मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि दोनों कहेंगे कि मुझे ये तुमसे एक्सपेक्टेशन है और तुम आप कहोगे कि मुझे तुमसे ये एक्सपेक्टेशन है, तो दोनों अपनी अपनी ख्वाहिशों को एक दूसरे के सामने रखेंगे और फिर उसके बाद एक न्यू बिगनिंग न्यू स्टार्ट मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रहेंगे, कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो चीज़ों को ठीक कर देगा आप दोनों के बीच में। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरुआत आप ही की तरफ से होगी, आप ही उन्हें से सॉरी बोलने वाले हैं, आप ही अपना प्यार उनको जताने वाले हैं, उनका उनको दिखाने वाले हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। चलिए देखते हैं लास्ट में गाइडेंस कार्ड कि क्या कहते हैं आपके कार्ड्स, कि आपको अपने आप में क्या बदलाव लाने की जरूरत है जिससे कि आप अपने रिश्तों को बेहतर बना सकें। चलिए वो कार्ड हम लेंगे, कर्क राशि, आपको क्या बदलाव अपने आप में लाने की जरूरत है, क्या बदलाव लाने की जरूरत है, ओके, या गॉसिप कार्ड क्यों आया है, ठीक है। देखिए सबसे पहला मैसेज तो मुझे ये मिल रहा है कि आप जो है वो मैं ये कहूँगी कि खुल के एक्सप्रेस करना सीखिए, जो एक्चुअल में मन में है ना वो कहना सीखिए,
बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लगता है स्वीटली आप बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा स्वीटली बात करते हैं, तो सामने वाले पर्सन को ऐसा लगता है कभी कभी कि यार इतना ज्यादा तो मुझे डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, इतना अच्छा तो मैं हूं ही नहीं। तो वो जो है वो ठीक है, वो आपका वे है बात करने का, लेकिन कभी कभी सामने वाले पर्सन को कंफ्यूज कर देता है। तो मैं ये कहूंगी कि जो भी है, अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है तो उसको भी कहना सीखिए। बहुत या तो आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो, उनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट होना चाहते हो, या फिर बहुत ज़्यादा आप दूर हो जाते हो कि ठीक है जाने दो। तो वो वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पर लग रही है। तो थोड़ा सा अगर मन में ऐसा लगता है कि कहीं आपको भी बुरा लग रहा है, तो उसको उसी वक्त बोल दीजिए, बजाय कि बहुत ज़्यादा स्वीटली बोलने के, क्योंकि मैनिपुलेशन की एनर्जी ऊपर भी मुझे दिख रही थी। तो थोड़ा सा चीज़ों को ठीक भी करिए, बताइए भी सही कि आपको ये चीज़ बुरी लगी है और ये सही है ये गलत है। अपनी बात को रखने की कोशिश करिए, अगर आपको कोई बात ऐसा लगता है कि गलत है वो सही नहीं है, तो उसको उसी वक्त कहिए। जो आपका मन कहता है उसको सुनिए। मुझे ऐसा लग रहा है आप दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो। अगर आपके फ्रेंड्स ने समझा दिया, अरे तो उसने ऐसा किया, तुमने उसको फिर भी कुछ नहीं कहा, और आप उन्हें कुछ भी कहने लग जाते हो। अगर सच में आपका ऐसा नेचर है तो आपको बदलाव करना चाहिए। आप देखेंगे कि जब आप अपने मन की सुनने लगेंगे ना, आप मतलब कि अपने रिश्तों को बहुत अच्छा बना लेंगे, आप सबसे अपने रिश्ते अच्छे बना लेंगे। आप किसी की बातों में भी बहुत जल्दी से आ जाते हो, और कोई आपके कान भर दे तो आपको बुरा भी बहुत जल्दी लग जाता है उस पर्सन के लिए। तो थोड़ा अपने दिमाग से सोचने की कोशिश करें, यहाँ पर ये मैसेज मुझे मिल रहा है। थोड़े अपने मन से अपने डिसीजन लेने की कोशिश करें, अपनी बात को सही से एक्सप्रेस करने की कोशिश करें, सही गलत दोनों बातों को लेके चले। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अब मैं बहुत स्वीटली बोलूँगा तो चीज़ें ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आजकल जो पर्सन है सब बहुत प्रैक्टिकल है, सो उनको हर चीज़ चाहिए होती है। लाइक अगर उनमें कुछ कमी है तो आप उसको बोलिए भी सही, और अगर कुछ सही है तो उसको भी बोलिए। तो थोड़ा प्रैक्टिकल रहने की कोशिश करिए, अपने दिमाग से काम करिए, आप देखेंगे कि आप बहुत सारे रिश्ते जो खो दिए थे उनको भी फिर से पा लिया है। अगर कोई फ्रेंड्स भी आपसे छूटे हैं पीछे, तो वो भी आपको फिर से मिल जाएंगे, अगर आप जेन्यून रहे, अगर आप सच के साथ रहे। तो बहुत ज़्यादा स्वीटली बनने से रिश्ते नहीं बनते हैं, जेन्यून रहने से, सही बोलने से रिश्ते आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं लास्ट में आपके पार्टनर के हिडन मैसेजेस आपके लिए क्या है। कर्क राशि, आपके पार्टनर के हिडन मैसेजेस आपके लिए क्या है? वेडिंग, वाव, ट्रू लव, अनरिक्विटेड लव, प्लेफुलनेस, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। यस, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस आपके लिए आए हैं। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि मैं भूल भी सकता हूँ और कुछ इस रिश्ते से सीखकर आगे भी बढ़ सकता हूँ, बट तुम भी समझो। देखिए कितना इजीली वो समझ रहे हैं और कह रहे हैं, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, अगर आप पास्ट की सभी बातों को भूलकर आगे बढ़ोगे, चीज़ों को ठीक करोगे, समझोगे कि क्या गलती हुई है, क्या मिस्टेक हुई है, और माफ़ भी करोगे, और मुझे भी मौका दोगे कि मैं तुम्हें माफ़ करूँ, तो क्यों ना हम आगे बढ़े। यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। यस, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, हमें नए नए एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में होते हैं। तो यहाँ आपके पार्टनर चाहते हैं कि पिछला भूल जाया जाए और एक नए की शुरुआत की जाए। अंदर मन उनका यही कहता है, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और केमिस्ट्री में फील क्यों नहीं कर पा रहा हूँ तुमसे, बिकॉज आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप इस रिश्ते को अपना 100% तो दे रहे हैं, लेकिन इस रिश्ते से कुछ सीख नहीं रहे हैं। तो यहाँ आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि कुछ सीखो कि कहाँ गलती की है, कहाँ मिस्टेक की है, और फिर आगे बढ़ो। तो गाइज, कर्क राशि, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इसमें हेल्प मिली होगी, गाइडेंस मिली होगी। आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज रीडिंग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मेरी नई रीडिंग आती है तो उसका मैसेज आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।